अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास दानों के अवगुण का
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भावने। हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु। इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंद। ऐजि गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारि हे नाथ नारा इन वासुदेव। आओ मिल के बोलेंगे नाथ नारा इन वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारा इन वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याण कामी देवियों बड़भागी गीता के अनुयायी मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दे हम अपने भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। प्रसंग दूसरे अध्याय का है, जबकि उस समय के उच्च कोटि के जिज्ञासु एवं भगवान को अति प्रिय भक्त ने श्री चरणों में प्रश्न किया था, जो अपनी साधना करते करते सिद्ध हो जाते हैं उनका व्यवहार कैसे होता है, उनका आचार विहार अर्थात उनकी दैनिक चर्या होती है क्या, यदि होती है तो क्या होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है हम सब के लिए, या पहले जो जिज्ञासु हुए या हमारे बाद जो भगवान के प्यारे होंगे, बहुत ही गुणकारी लाभकारी उत्साहवर्धक शिक्षा से भरा हुआ प्रेरणा देने वाला ये प्रश्न है। कई शंकाओं का समाधान मेरे सज्जनों मेरी देवियों कर देता है। आइए जरा, हमने लिया कल तो एकदम भगवान जी प्रश्न का दूसरा रूप यानी पिक्चर की डार्क साइड देने लगे। हर पिक्चर की दो ही साइडें होती है, लाइट एंड डार्क। कल भगवान जी ने डार्क पहलू को लिया, बात तो चल रही थी उत्कृष्ट इंसान की, बेस्ट पॉसिबल मैन, बेस्ट पॉसिबल अर्थात उत्कृष्ट इंसान, आला इंसान, चोटी का इंसान, जिसके को हम देवता कहेंगे सजनों, देव पुरुष यानी सुपरमैन, एकदम जैसे जहाज बहुत ऊंचा और डाइव करे नीचे, एकदम नीचे, और बात चला दी वर्स्ट पॉसिबल मैन की, निकृष्ट इंसान की, गैर बीते इंसान की। वो कौन होता है जो भगवान का चिंतन छोड़कर नाम रूपों के चिंतन में लग जाता है। कभी ना भूलना यही जबरदस्त वादा है साधना में, चूंकि हम लोग समझ चुके हैं कि हम अंगों का नाम नहीं है। इतने हमारे शरीर के अंग जिन्हें अवयव बोलते हैं या पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हम वो नहीं है। हमारे अंदर जो विचार उठते हैं हम वो है। विचारों के कारण से ही हमारे देश में ये सूक्ति अच्छी उक्ति प्रसिद्ध है, आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर, कोई हीरे समान कोई कंकर समान, अपने विचारों से। यदि विचार भगवान जी के ज्ञान से भरे हुए उच्च विचार बन जाते हैं, सचमुच इंसान सुपरमैन है, इंसान देव पुरुष है। उन्हें नारी कहना पाप होगा, वो भगवती है, भगवती जी, जो बड़ी जल्दी भगवान की जात में एक में एक होने वाले हैं। ये नर नारी सिर्फ हम शरीर से कहते हैं ना, आत्मिक रूप से तो एक ही बात है। अगर आप विचार आपके हाई है तो नारी क्या और नर क्या।
भगवान भगवत संबंधी विचार हो जाए बस जी बड़ी जल्दी मालिक के साथ में तलीन होता है। एक एक बात को और जर लीजिए तो कभी नहीं संसार का चिंतन करना, संसार नाम है नाम रूपों का, मेरी जरूर मान लेना वरना इंसान गिरता जाएगा, आप खुद ही बाधा बन जाएंगे, आपकी साधना में इस जन्म में फिर कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए हमारे शहनशाह ने हमारे सरताज ने ये हमें पाठ पढ़ाया, सदा मेरा पैहम जिसे ध्यान गए, चिंतन करने योग केवल 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 एक भगवान जी है, बाकी किसी का क्या चिंतन करें जो कि पांच तत्वों में भागते जा रहे हैं। जब भी मन आप मेरे सजनों मेरी देवियों पुराने स्वभावश किसी नाम रूप का चिंतन करने लगे रोक दीजिएगा, ब्रेक लगाइए, नहीं, जो प्राणी पदार्थ मुझे छोड़ता जा रहा है मैं उसका चिंतन नहीं करूंगा। संसार का कोई भी प्राणी पदार्थ अपने आप में टिका हुआ नहीं है, पांच तत्वों में मिलने के लिए बड़ा उत्सुक है। भगवान का यह फरमान फौरन चाबक की तरह मन के विचारों पर यह विचार लगा देना, किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी रहे, एक वही जात रहने वाली, बाकी सब चीजें अपना काम करके जा रही हैं। हम एक विशेष काम के लिए सत्संगशाला में आए हैं, ये अपना मानसिक भोजन लेने के बाद हम तितर बितर हो जाएंगे, हम जिधर से आए उस ओर निकल जाएंगे, कोई उत्तर की ओर, कोई दक्षिण की ओर, कोई पूर्व की ओर, कोई पश्चिम की ओर, बिल्कुल। इससे संसार के अंदर जितने भी प्राणी पदार्थ आए गए एक विशेष काम के लिए, मैंने कई बार कहा चाहे वो विशेष काम शुभ है या शुभ, लेकिन अपना वो काम मेरे सजनों मेरी देवियों करके चले जाएंगे। अब हम अपना कल्याण करना चाहते हैं, ये बात सदा के लिए अपने मन में रख ले, कोई वस्तु इस संसार में स्थिर नहीं, स्टेशनरी नहीं, स्टेबलाइज नहीं, बल्कि मूवमेंट में है और जा रही है। तब मैं आपको अपने तजर्बे के आधार पर यकीन दिलाऊंगा मन टिकेगा ही नहीं संसारी प्राणी पदार्थों में, संसारी प्राणी पदार्थों का चिंतन ही करना छोड़ देगा, क्योंकि मन तो उनका चिंतन करता है जो टिके हुए हो और शांति देने वाले हो। जब ये बात आपके अंतःकरण में गहरी उतर गई, कोई भी प्राणी पदार्थ न टिका हुआ है और न टिके होने के कारण से क्या असुखम दुखदाई, वस्तु सुख वो देती जो टिके हुए हो, शाबाश, जो टिकी हुई नहीं उससे वो हमें कुछ नहीं दे सकती, जो टिकी हुई ना हो वो एक विशेष अपना काम करती है और चली जाती है। हर ये गाड़ी कोई भी हो मानो हर स्टेशन पे खड़ी होती है, चलो, लेकिन अपने उसका उद्देश्य क्या है, दिल्ली जाना, राजधानी में जाकर रुक जाएगी, क्योंकि वो कालका से चली है राजधानी तक, बस वहां जाकर रुक जाएगी और रास्ते में थोड़ा रुका, किसी को उतारा, किसी को चढ़ाया, बस आगे निकल जाएगी, उसका उद्देश्य राजधानी। इस तरह हर एक जीव एक विशेष काम के लिए आया है और उसको पूरा करने के बाद बस राजधानी जा में इंजन ही शेड में चले जाती है और गाड़ी के कुछ डब्बे भी इधर उधर तितर बितर करके एक परे लूप लाइन पर खड़े कर देती है, फिर दूसरे दिन वो गाड़ी किसी और जाने के लिए तैयार हो जाएगी। इस तरह हर जीव एक विशेष काम के लिए आया है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये हमने सिद्धांत अपने भगवान का सदा के लिए रख लेना, आप सच मानना आपका मन भगवान में टिका रहेगा, सिर्फ इतनी सी बात है, यदि आप मान लो अपना कल्याण कर लो अनित्यम आसुकम, यह सिद्धांत है। ओ मेरे सजनों मेरी देवियों, बिल्कुल ना भूलना, बिल्कुल ना भूलना, हमारे जैसे तो कह कह के चले जाएंगे, लेकिन यह सदा के लिए मन में रख लो कि संसार का प्राणी पदार्थ जो भी परमात्मा ने अपने में से प्रकट किया है वो अनित्य गए दुखदायी है, दुखदायी तब बनेगा जब हम नित्य समय के उसे अपना लेंगे, जब हम उसे टिका हुआ समझ के अपना बना लेंगे, देन इट्स पॉसिबल कि वो हमारे साथ छेड़छाड़ करे या हमारी बनी बनाई बैलेंस ऑफ माइंड को अनबैलेंस कर दे। समझो मेरे सजनों, समझो मैं आपके लिए आया हूं, केवल आपके लिए भगवान की कसम। देखो मेरे मालिक कोई मुझे प्रेरणा नहीं देते, वहां जाओ इधर जाओ उधर जाओ, कहीं नहीं देख लिए, इसका मतलब मैं केवल आपके लिए भेजा गया हूं। तो एक एक बात को जो मैं अपने भगवान के लाया हूं इसे अनमोल तोहफा समझ करके अंतःकरण में रख लीजिए, आपके बड़े काम आएगी, बहुत काम आएगी, जरूर रख लो मेरी देवी। नारी चोला है और ये चोटी का ज्ञान हमें कहां मिलता है, बहुधा बातें तो आपको जगह जगह मिल जाती है, अशुभ बातें, अशुभ इरादे, अशुभ विचार, अशुभ पहनना, चारों ओर बोलबाला अशुभ का है, शुभ का नहीं, और जो अगर कहीं अशुभ शुभ दिखाई देता वो उड़ता जा रहा, ऐसी प्रभु इच्छा है, कहीं भी आपको शुभ नजर आता है वो जा रहा है।
इसलिए अब मेरे मालिक ने आपको बहुत अच्छा मौका दिया, इतना एकांत शहर किशोरों को से एकदम दूर, और फिर भगवान का ज्ञान अर्थात हाई थिंकिंग जो आपका कल्याण कर देती है। कल्याण का मतलब आवागमन से छुट्टी, कल्याण का मतलब तीन प्रकार के दुखों से छुट्टी, कल्याण का मतलब सदा रहने वाली शांति। इसके लिए एक शब्द बोला जाता है कल्याण। तो अब और हम सारे हैं भी कल्याणकामी, ऐसी अपनी आंतरिक अवस्था मेरी बताओ बेटियों बुजुर्गों और भाइयों, हम बिना किसी और विलंब के बनाना चाहते हैं और भगवान हमारी पूरी सहायता कर रहे हैं। ये श्रोता और वक्ता की सहायता कौन कर रहा है? हमारे बैकग्राउंड में जो अगोचर है हमारे इष्टदेव भगवान कृष्ण पूरी पूरी हमारी सहायता कर रहे हैं। वानग्रस्त आश्रम में नारी चोलों में इतनी दूर को आपको रोज आने दे, असंभव, बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं, असंभव। अगर महाराज जी विशेष कृपा ना करें मां को बाप को पति को बाकी सारों को, उनको आपका काम गर्ज प्यारी है, काम प्यारा है ना के चाम प्यारा है, वो आपको शरीर से प्यार नहीं करते, वो तो अपने घर से प्यार करते हैं, ये करना है वो करना है, घर में ये बनाना है वो बनाना है, और फिर वो आपको घंटा दो घंटे दे देती है, तो क्यों ना मैं आपको याद दिलाऊं, दरअसल होती है मेरे प्रभु जी की दात, मेरे मालिक की बख्शिश, वरना मरने की फुर्सत नहीं आजकल के इंसान को, हालांकि कार फजूल का धंधे रहा है, इवन देन उसको मरने कोई फुर्सत नहीं, ये करना है वो करना है, ये बनाना वो बनाना है, काल जबरदस्ती आपको खींच के ले जाता है, अदरवाइज तो आपको कोई फुर्सत नहीं है। फजूल के धंधों में मेरे मालिक ने, मेरी प्रकृति ने जुटा रखा है आपको, शाबाश। तो अब मालिक ये मौका, इतना चोटी का ज्ञान गीता जिसे सारी दुनिया मान चुकी है कि गीता के बराबर कोई ज्ञान नहीं हो नहीं सकता, अब आपको हर सुबह हर शाम बिना नागा मिल रहा है, बस आप पुरुषार्थ कीजिए, समझिए और अपना बना लीजिएगा। भगवान ने बहुत अच्छा कहा कि इंसान गिरावट की ओर ना जाए, और गिरता कब है? जब आप यूं बैठ करके संसार का चिंतन करेंगे। संसार का चिंतन करने योग्य नहीं होता, संसार का कोई कार्य तो कर लो, मैंने बाजार में ये जाना, बस आगे दूसरी बार ना सोचो, उठो थैला उठाओ रुपए डालो अपने पर्स में और चलो बाहर। आपको ये मेरे भगवान कहते हैं, करे जिस कदर उस पे जो आप समझते हैं कि यह काम मेरे लिए ऑब्लिगेटरी है और मैं इसे छोड़ नहीं सकता, उठो और जाओ, ताकि अगला संकल्प उसके विषय में सोचने के लिए ना मिले, वरना इंसान को भगवान ने स्पष्ट कहा वो गिरते ही गिरते चले जाएंगे। संसार का चिन्ह संसार व्यवहार करने योग है, ओ नेक जीवो, ओ मेरी भोली भाली देवी हो, सुनो मेरे प्रभु जी का अनमोल बोल, संसार व्यवहार करने योग है, संसार चिंतन करने योग नहीं। नट टू बी थॉट ओवर, नट टू बी थॉट ओवर, नट टू बी पोंडर्ड, नट टू बी कंटेम्पलेटेड है कि बैठ के हम ऊपर सोचे रख जाए, नहीं, संसार व्यवहार करने योग है। अगर किसी के आप जरूर जा रहे हैं तो यू प्लीज गो, उठाइए अपने स्कूटर को और जुम्बश में लाइए स्कूटर को, चल दो, जाए कि ना जाए, बस या मार खा लोगे आप या आपकी बुद्धि पर पर्दे पड़ जाएंगे, जब आप दुविधा में पड़ जाते हैं जिसको आप टेंशन कहती है, नहीं, अगर ये अनिवार्य है, अगर मेरे लिए इनएविटेबल या अनअवॉइडेबल है तो मैं इसे फॉर्म करता हूं, मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, इस तरह आपकी बुद्धि चमकी रहेगी, आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। बुद्धि तब मारी जाती है जब संकल्प विकल्प में लगा दी जाए, कैंट भी जाना था, सिटी भी जाना है, हफ्ते में एक ही दिन छुट्टी का संडे आता, आज मैं कहां काम करूं, इधर बच्चों की मां भी तंग कर रही है कि ये काम करने हैं, कितने आप अपनी बुद्धि को आप बर्बाद करते हैं। इन तीनों चारों कामों में देख कौन सा जरूरी है, कैंट जाना, बस दैट्स ऑल, उठो और कैंट चल दो, इससे आप कुछ दिनों में देखना बुद्धि स्थिर हो जाएगी, तब आप भक्ति मार्ग में या भगवान के इस परमार्थ के मार्ग में बड़ी जल्दी उन्नति कर जाएंगे, बहुत जल्दी, यदि आप एक इरादा रखें। कितना अच्छा मेरे भगवान ने गीता जी में कहा हुआ है, जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल तो यक्षु और पुख्ता इंसान का दिल। अगर इंसान इधर उधर की बातें ना करे, दूधा में ना जाए, तो मन बिल्कुल क्या रहेगा, मन 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 रहेगा सेंट्रलाइज्ड, देर वुड बी नो वेवरिंग नो टॉसिंग, बट माइंड ऑलवेज स्टेइंग स्टिल। ये कितनी अच्छी अवस्था है, स्टेइंग स्टिल, स्थिर रहना, इधर उधर के गपशप न मारना, इधर उधर के संकल्प विकल्प करके अपने आप को तबाह न करना,
इसलिए संसार का कोई भी काम जो जरूरी आप समझती है, भगवान ने इतने कहा ये कार्य न करना, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम। इफ यू थिंक दिस इज ऑब्लिगेटेड टू मी, ऑब्लिगेटेड टू यू, नॉट टू मी, नॉट टू अदर्स। जो फैमिली मेंबर है उनके लिए नहीं, केवल आपके लिए, उठो और करो, उठो और करो। ताकि चिंतन भगवान का रहे ये मन में रख लीजिएगा। हमारे हिंदुओं में ये बड़ी भारी कमजोरी आ गई, हम बालकों की तरह सोचने लग जाते हैं, फिर सोच सोच के फिर छोड़ देते हैं, फिर सोचते हैं, थिंकिंग, डी थिंकिंग, री थिंकिंग। आए ये बड़ी गंदी बीमारी कलयुग में चल पड़ी, थिंकिंग फिर डी थिंकिंग फिर री थिंकिंग, संकल्प करना फिर उसे तोड़ देना फिर संकल्प करना। इससे इंसान की बुद्धि, इंसान का मन दोनों ही बड़े कमजोर हो जाते, जिसे हम कहते हैं उसकी संकल्प शक्ति कमजोर हो गई, उसकी विल पावर कमजोर हो गई। पर विल पावर हम खुद कमजोर करते हैं, मैंने आपको समझा रहा है। आगे मेरे भगवान ने स्पष्ट कह दिया, इरादा रहो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में। ये 20वीं शताब्दी इसी में गुजर गई। इंसान अपने इरादे को पक्का नहीं करता, अनशेकेबल इरादा नहीं करता, इसलिए आज का इंसान हैरान है, परेशान है। और मेरी बेटियां विशेष करके बहुत आप हैरान हो रही हैं, क्योंकि आप एक बात में नहीं टिकते, लेकिन आपने तो कल्याण करना है। और मेरी माता, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नुक्ता भगवान जी का पकड़ लो कि मैंने तो अपना कल्याण करके जाना, सिर्फ खा पी कर बच्चे बना करके मर नहीं जाना, मैंने कुछ और आगे बढ़ना है, और भी ठोस काम करके मालिक की जात में समाना, मैंने कल्याण करके जाना है। तो एक इरादा बना लो कि मैं चिंता तो भगवान का करूंगा, बाकी व्यवहार जो जरूरी होगा वो मैं जरूर उसे संपन्न कर दूंगा, मैं उसे पूरा कर दिखाऊंगी। बस कितनी शक्ति मन में भर जाएगी, कितनी शक्ति बुद्धि में, और शरीर कितने हो जाएगा बलशाली। आजमा रहे हो और आजमाते रहना। बस मैं ये कह के आगे कल का प्रसंग ले रहा हूं, संसार का चिंतन नहीं करना, नहीं करना, वरना भगवान के शब्द है, मैं आपको समझाने आया हूं। जायल हुई अक्ल, बस बुद्धि पर पर्दे पड़े तो बुद्धि मारी, बुद्धि मारी के इंसान बिल्कुल अपने बेटा घर कर बैठा, चूंकि हम तो बुद्धि है। कभी हमने कहा कि हम नाक है, हम गाले हैं, हम हाथ है, हम पैर है, हम जांगे? नहीं, हम तो बुद्धि है, हम तो इरादा है, हम तो विचार है। मैन इज थॉट, मैन इज डिसीजन। क्या आपने डिसीजन लिया? हियर यू आर। आपने डिसीजन क्या लिया बेटे? ये आप हो, आपकी पर्सनैलिटी ये है। ये तो बेवकूफी से एक मादा प्रस्ती है, मटेरियलिज्म के अंदर हम कहते हैं मेरी ये पर्सनैलिटी है, मेरा ऐसा चेहरा, मेरा इतना कद है, मैं इतना पड़ा हुआ, मैं इसका अंदर गलत। इंसान की ये पर्सनैलिटी नहीं, कुचल दो इन विचारों को। इंसान की पर्सनैलिटी वो है मेरे सज्जनों, मेरे देव, जो हमारे अंदर बीत रही है। व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट इज योर डिसीजन, ये आप है। डिसीजन प्लस थॉट इज इक्वल टू पर्सनैलिटी है, इरादा प्लस विचार इज इक्वल टू व्यक्तित्व। ओए फिर कहो बाबा, इरादा प्लस विचार इज इक्वल टू व्यक्तित्व। हमारा व्यक्तित्व मेरे सजनों, मेरे भारत धर्म भूमि, भारत के होनहार बच्चों, वो होनहार मेरी देवियों, धार्मिक देवियों, हमारा व्यक्तित्व क्या है, हमारी पर्सनैलिटी क्या है, हमारे इरादा, हमारा विचार। इरादे नहीं, इरादा। जिसने बहुवचन बना लिया, प्लूरल कह दिया इरादे, वो कहीं का नहीं रहेगा, धोबी के कुत्ते की तरह ना घर का ना घाट का। ये हमारे प्रभु बड़े विस्तार पूर्वक इस अध्याय में समझा चुके हैं, वो कहीं का नहीं रहेगा। इरादा, इरादा सिंगलर एंड प्लूरल। एक इरादा होता वो जीवन में पूरा हो जाए, अपना कल्याण हो जाता है। अगर अनेक इरादे बनाएंगे तो हम किसी भी इरादे को पूरा ना कर दिखाएंगे। एकाध पे बैठ के विचार करना, ये सिद्धांत भगवान क्या बता रहे हैं, कितना गजब का सिद्धांत है ये। छोटी सी जिंदगी के अंदर अनेक काम करने पर इरादा एक हो, उसी के इर्द गिर्द, जैसे हम अपने भगवान की श्री विग्रह के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं, इस तरह हम एक ही इरादा को पूरा कर दिखाएंगे। इतने में जिंदगी क्या है, जिंदगी तो थोड़ी सी है, और आजकल तो जिंदगी के दिन बहुत थोड़े हैं, बहुत ही थोड़े। इसलिए अनेक इरादे करके हम कभी कामयाब नहीं हो सकते, मन में रख लीजिएगा। इसलिए संसार का चिंतन नहीं करना, संसार का उस समय का व्यवहार जरूरी है तो कर गुजरो, लेकिन चिंतन नहीं करना। लोग कह के आगे जा रहे हो, नहीं तो बुद्धि पर पर्दे पड़ जाते हैं, और बुद्धि पर पर्दे पड़े तो बस आप क्या मशीनरी खराब हो गई, क्योंकि बुद्धि ही इंसान रूपी कार की ड्राइवर है, सारथी है। अगर यह खराब हो गई, जैसे आजकल खराब होती जा रही है, वह फिर इंसान कहीं का नहीं। उसको मेरे भगवान ने कहा बस वो डाउन, वो गिरा हुआ इंसान है। वैसे अर्जुन तो बात की है सिद्ध पुरुष की, परफेक्ट मैन की, जो कि परफेक्ट है, उसका व्यवहार कैसे होता है। और भगवान ने दूसरी पिक्चर की दूसरी साइड ले ली,
कि जो इम्परफेक्ट है, तो वो कैसे इम्परफेक्ट हुआ, वो कैसे अपने आप को गिरा रहा है, गिरा रहा है, अगर वो संसार का चिंतन कर रहा है। लो मैं ये कह के जा रहा हूं, आगे प्रसंग ले रहा हूं, यदि आप संसार के बारे में चिंतन करते, चिंतन नहीं व्यवहार करो, उठो जो काम करने योग्य करो, सब्जी बनानी है 5 मिनट बाद फिर सब्जी बनानी, देर होती जा रही है, यू मार खा लोगी आप, बनानी है ना, और छोड़ ही सकती नहीं, उठो और बनाओ। भगवान ये कहते हैं रात्रि बार अपने चिंतन करते रहो, भगवान का कपड़े धोने में निकाल भी नहीं धोए और आज धोने हैं, धोनी तुम्हारी शशि सोचती क्या बेटी, उठो करो इकट्ठे इकट्ठे कपड़े, वो तो पड़े हुए इकट्ठे उठाओ और धोना शुरू कर दो, और अंदर ही अंदर तन काम में मन रही, ये अपने आप ही पूरा होता जाएगा अगर आप पेंडिंग ना करें तो। आपकी एक बुरी आदत है, कर लेंगे नहीं, ये करने जा रहा हूं, आपका मन हमेशा ही खाली रह के भगवान का चिंतन करेगा। हमने पेंडिंग नहीं करना, काम अगर जरूरी है, इनेविटेबल है, अनअवेडेबल है, अनिवार्य है, अपरिहार्य है, तो कर गुजरो। फिर मेरे प्रभु का यह फरमान कितना शानदार, आप पूरा कर लेंगे, लोक पर लोक दोनों बन जाएंगे, तन द्वारा हमारा काम होगा और मन हमारा ऑलवेज क्या, बिल्कुल खाली, बिल्कुल ऐसा मन ही भक्ति कमा सकता और मेरे सजनों अपना कल्याण कर पाएगा। मुझे पूर्ण आशा है आप सब कल्याणकामी हैं, और आज रविवार है जो आज के दिन तशरीफ लाते हैं, वो जरूर मेरे महाराज जी के इस जरूरी पॉइंट को अपने मन में रख ले कि संसार व्यवहार करने योग्य है, संसार में संकल्प विकल्प नहीं करने, किसी पिताजी को लेकर, मां को लेकर, बहन भाई को लेकर, या किसी अपने को लेकर, नौकरी को, संकल्प विकल्प नहीं करना, सोचो और खत्म कर दो, सोचो और खत्म कर दो, करने योग जरूरी काम है व्यवहार करो, लेकिन चिंतन करने योग केवल एक भगवान जी, जिसके बारे में सोचना वो एक ही है। ये आपको गीता बार बार कहती है कि अगर आप कल्याण इसी जन्म में करना चाहती है तो अपने मन में ये पक्का इरादा बना लो कि चिंतन तो भगवान का मैं करूंगा, व्यवहार समय समय अनुसार बदलता रहेगा, व्यवहार मैं करता रहूंगा। आप खुद देख लेना मेरे सज्जनों कितनी जल्दी इस परमार्थ की मंजिलें तय हो जाती है, कितनी जल्दी, जरूर करना मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, मेरे नेक भाइयों, खासकर जितने जवान आ बैठे हैं, जितने भी यंगस्टर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, वेदर ही आर शी, कितनी जल्दी मंजिलें तय होती हैं आपकी। यदि ये नुक्ता आप मेरे प्रभु का नुक्ता है या सिद्धांत कह दूं, ये सिद्धांत है कि मैंने मानसिक रूप में संसार का चिंता नहीं करना, शारीरिक रूप में मैंने व्यवहार करना, वह फिर बुद्धि शानदार चमकी रहेगी और मन भी बिल्कुल ही एकाग्र रहेगा। फिर ये जब दोनों ठीक होती है तब इंसान भक्ति करता है, तभी मेरी देवियां भक्ति करने में कामयाब हो जाएंगी। आप रोज सत्संग सुनते हैं और कल्याणकामी जीव है, इस पॉइंट को मैं जरूर कहूंगा कि आपने पकड़ लिया होगा। चलो आगे, इसके बाद हमारे भगवान जी कहने लगे क्या जबरदस्त जो बाधा होती है संसार के अंदर, वो आज मेरे प्रभु बताने जा रहे हैं, और आप सारे अपना कल्याण चाहती हैं। मैंने आज प्रसंग नहीं बदला, भले ही आज रविवार, मैं हर रविवार को प्रसंग बदल देता हूं, लेकिन नहीं, मैं आज बदल नहीं सकता, ये बड़ा जरूरी आप सबके लिए है, क्योंकि ये प्रसंग जो रोज आने वाले हैं वो भी उनके लिए भी, और जो केवल आज के दिन संडे एडिशन बन के आते हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए बहुत ही कल्याणकारी, गुणकारी और उपादेय है। फरमाती सरकार इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है, इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा राग और द्वेष, जरा ध्यान देना मेरे बच्चे, राग और द्वेष, यानी अट्रैक्शन और रिपल्शन। अट्रैक्शन, कई चीजें में अट्रैक्ट ही थी अपनी ओर और कई चीजों को हम आधी आंख से भी नहीं देखना चाहते, रिपल्शन है हमारी उसके साथ, यानी आप जो मेरे बुजुर्ग बोला करती है रगबत और नफरत, कई चीजें बहुत प्रिय है कई अप्रिय है, अच्छा कई प्लेजेंट लगती है कई अनप्लेजेंट, कई फेवरेबल कई अनफेवरेबल, इसी को संसार कहते हैं। क्या कमाल कर रहे हैं हमारे सरताज जवरे भगवान जी, सुनो मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्गों, मेरे अच्छे भाइयों, इसी आधार पर संसार चल रहा है। एक चीज आपको पसंद नहीं है, और देखिए अभी आप बजाजी की दुकान पर कह रहे हैं ये दोनों थान न्यालचंद जी परे उठा लो, मुझे पसंद नहीं है, और आपके देखते देखते दो भाई आए हमें कपड़ा लेना सूट के लिए, ये थान पड़े इन दोनों से, हमें यही पसंद है, ये हमें दो दो सूट फाड़ दीजिए, कितने गज, कुछ 4.5 गज, इसके 4.5 गज, और आप बड़े गौर से देख रहे हैं उनको,
बंदा है कि पजामा है ये? आपने जिसको रिजेक्ट किया वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और करो फॉर अवर टाइम थोड़ा है, ये दो दो सूटों का फाड़ दीजिएगा। आप रिजेक्ट कर रही हैं, इसी को दुनिया कहती है। आप देखिए आप रिजेक्ट कर, आपने कह रहे हैं कपड़ा है तो पेंडू भी नहीं पहनते, और वो देखो तेरे चाचे दे भाई दे साले, चाचे दे भाई दे साले पहन रहे हैं, वो फड़वा रहे हैं। देखिए अब बिल बनाइए, मुझे जल्दी जाना है। ले ना दो थान, आप चार थान देखे और रिजेक्ट किए, और वो पहले थान दो देख करके एक्सेप्टेड, वो दुनिया इसी पे जा रही है। आप वो दिन याद करो जब आपकी शादी होने लगी थी जी, कितनों ने आपको रिजेक्ट किया? बाबा छह ने रिजेक्ट किया, और सातवें ने कहते जी हमने कितने घर देख के आए हैं लेकिन इस जैसा लड़का हमें नहीं दिखाई दिया, बस हमें हमने चलो कोई हमारी कर दीजिए, हमारा मन खुश कर दीजिए, कोई ना कोई रस्म अदा कीजिए, कोई सेरेमनी हो जाए। देख लो सरकार छह आपको रिजेक्ट कर रही है और एक जो आपके फादर इन लॉ बनने जा रहे हैं वो छाती से लगा रहे, बस बेटा लो मैं तिलक लगा दूं। दुनिया इसी आधार पे चल रही है, रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड। देख लो आपको कितने घरों ने देखा, बाबा नौ घरों ने रिजेक्ट किया, और दसवें घर जो आपके श्रीमान जी हैं इनको चुपके चुपके प्रणाम किया करो, इन्होंने आपको पसंद कर लिया। दुनिया इसी आधार पर है, क्या एक्सेप्टेड रिजेक्टेड। देख ले विमला की बच्ची, तुझे तो मैं भली प्रकार जानता हूं ना, हाँ कितनी बहने हो तुम, और कितनों ने देखा होगा, और भला हो इस श्रीमान का जिन्होंने आपको कहा बस मैं अपनी सारी जिंदगी इसके साथ आराम से काट सकता हूं। तो दुनिया में क्या हो रहा है, क्या 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 हो रहा है, क्या क्या हो रहा है? राग और द्वेष, कोई चीज आपको बड़ी अच्छी लगेगी हाँ उसके साथ मोह हो जाएगा, और कोई चीज अच्छी लगेगी, लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं है। इसलिए जरा आप ब्रॉड माइंडेड बन के रहो, जो चीज आपको पसंद है आप ये कहिए मुझे पसंद नहीं है, ये दूसरे पर मत थोपिएगा, दूसरे पर इंपोज मत कीजिए। अब ये कहिए मेरे योग मेरे मेरे मन के स्तर के अनुसार नहीं है, शाबाश बेटे आज के बाद ये कहना बंद कर दे। ये बंदा का जानवर है, जो चीज तुझे पसंद नहीं, क्या ये यूनिवर्सल बात सार्वभौमिक बात है? तुझे पसंद क्योंकि तेरे मन का स्तर ये है। फिर एक और बात बताऊं, कुछ दिनों के बाद तेरे मन का स्तर बदल जाएगा, आज जिस चीज को तू पसंद कर रही है कल यही नाक भौंस करेगी, हाय मेरी किस्मत गंदी मारी, ये मैंने कैसे पसंद कर ली, क्योंकि अब आपके मन का स्तर कुछ ऊंचा हो गया है, उस टाइम ये चीज अच्छी थी अब नहीं। अगर दुनिया में ये बात ना होती मेरी कोई भी बेटी को डाइवोर्स ना दिया जाता, कोई भी मेरी बेटी डाइवोर्स लेकर के हैरान परेशान ना होती, क्यों? उन दिनों आपने कहा ये बहुत अच्छी है, इस जैसी और हो नहीं सकती, मरते रहे आप उनके लिए, और अभी चार महीने नहीं गुजरे कि आप डाइवोर्स देने जा रहे, क्यों? आपके मन का स्तर कुछ और हो गया। दुनिया में कोई भी चीज एक स्तर पे नहीं टेक रही हो, मेरे सजनों मेरी देवियों हो मेरी बेटियों, कोई भी प्राणी पदार्थ या जड़ चीजें या चेतन है एक स्तर पे नहीं रहती, हाँ हर एक का स्तर आगे जा रहा है। आपको थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन विकासवाद करनी है, बता रहे कि हर चीज अपने स्तर से आगे जा रही है, हर चीज ये पाठ पड़े हुए है, एडवांस आर पेरिश, बढ़ो या मरो, हर प्राणी पदार्थ इसी पाठ को पढ़ता हुआ आगे जा रहा। अगर कोई भी प्राणी पदार्थ देखने में चाहे जड़ भी हो नहीं आगे बढ़ना चाहता, कट जाएगा। अगर वृक्ष की एक टहनी आगे नहीं बढ़ना चाहती, तेज कुल्हाड़ों से कट जाएगी और आग में जला के रोटी पकाई जाएगी, सब्जी बनाई जाएगी। टहनी तभी वृक्ष के साथ रह सकती है जब टहनी आगे बढ़े और अपने में से और सब ब्रांचेस को बनाती जाए, समझी मेरी बेटी? एक घास का तिनका भी आपके पैरों द्वारा कुचल दिया जाएगा यदि घास का तिनका एक आगे बढ़ने के लिए इनकार करता है, तो उस घास के तिनके को आगे में से अपने में से ब्रांचेस सब ब्रांचेस बनाते जाना चाहिए और आगे आगे बढ़े। वाह मेरी मालिक वाह, इसी को बोलती है राग और द्वेष। और इस जहान के अंदर जैसे आपका स्तर है, कोई चीजें अच्छी आपको, टू यू ओनली, नॉट टू अदर्स, नॉट टू योर वाइफ, नॉट टू योर अदर रिलेशंस, ये याद रखिएगा, सिर्फ आपके लिए जो आपका मन का स्तर ऐसा है, एक चीज अच्छी लगी है। लेकिन ये मत करो कि तू कैसी मुझे पत्नी मिल गई है, तुझे कोई अच्छी लगती, देखो गलती कर रहे हो, पांच चुगलियां बराबर नहीं होती। कितने अपने देश में ये कहावत अच्छी है, रब ने बनाई पांच चुगलियां लेकिन बराबर थोड़ी है, इसका स्तर क्या, इसका स्तर क्या, इसका स्तर क्या, इसका स्तर क्या, इसका स्तर, हालांकि ये चीज छोटी थी, इसका विकास हो गया, वो इसका आगे विकास हो, लो इसका फिर ह्रास हो गया, भाई अंगूठे की तो बात ही नहीं पूछो, ये तो बिल्कुल नीचे रह गया गिठमुठिया। ये तो विकास चल रहा है संसार के अंदर, सृष्टि किन्हीं अटल नियमों के आधार पर बनी है मेरे देवियों, और वो अटल नियम अटल ही रहेंगे, जो टल जाए तो वो अटल क्या हुआ। इसलिए जरा ब्रॉड माइंडेड
ये लिबरल माइंडेडनेस से काम कीजिए, अर्थात उदार चित्त के, अनुदार नहीं उदार। ऐसे इंसान बड़ी जल्दी परमात्मा का अनुभव कर लेते हैं। कौन? जो उदार है। वो सुनो मेरे प्रभु जी की बात, जो ब्रॉड माइंडेड है बड़ी जल्दी इस परमार्थ की मंजिलों को तय कर लेंगे, क्योंकि उनका मन फिर बड़ा स्ट्रांग हो जाता। हाँ हाँ ये तो होगा, ये तो होगा, ये तो बनेगा ही। शाबाश। तो मेरे महाराज जी कह रहे हैं सबसे बड़ी बाधा क्या संसार के अंदर, कि जो आपको पसंद है आप चाहते वही पसंद करे। इसलिए घर घर में नर्क बन गया, इसलिए समाज में नर्क बन गया है मेरे रब्बा, स्कूलों कॉलेजों में नर्क बन गया, गली मोहल्ले में नर्क बन गया। आप अपनी चीज दूसरे पर थोपना चाहते हैं, अपनी चीज को दूसरे पर देखना ये करो ना, नहीं गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। संसार इसी आधार पे बना है, वैरायटी पर। इंग्लिश में छोटी सी कहावत आती, सुनी होगी आपने, वैरायटी इज द सास ऑफ लाइफ, वैरायटी इज द सास ऑफ लाइफ। क्या? ये जो भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के भगवान चीजें, ये जीवन की चटनी है। भिन्नता जीवन की चटनी है। घर में भी भिन्नता है, जरा अच्छा लगता है। एक बगीचा उसमें से गुलाब के फूल है, अच्छे नहीं है, कोई बेवकूफ है बनाने वाला, माली भी अच्छा नहीं है। क्यों? रंगारंग के फूल होने चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, बाग बोलते हैं, रंगारंग के, नीले पीले लाल गुलाबी, छोटे बड़े गुलाबी, नौ प्रकार का होता है, तो नौ प्रकार के गुलाब इधर को इधर को इधर होने चाहिए, चमेली होनी चाहिए और बाकी नरगस होनी चाहिए, हाँ रात की रानी होनी चाहिए, दिन का राजा होना चाहिए। शाबाश, कितने प्रकार के फूल है, तो तब भी वो बगीचा बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर। इसी तरह नाना प्रकार के जीव आपके घर के अंदर है, तो इसी को संसार कहते हैं, यही संसार है। और आप कहेंगे नहीं, जो मैं पसंद करता हूं वो मेरी पत्नी पसंद करे, ये नहीं होगा, मेरी माँ भी वही पसंद करे, गलत बात है। सृष्टि इस आधार पे बनाई नहीं गई, सृष्टि बनाई इसी आधार पे गई है। क्या? गुलाय रंगारंग से अजीमते चमन, जैसे रंगारंग के फूल बगीचे में हो तो बड़ा प्यार लगता है, अपनी छोटी गृहस्थी देख लो, रंगारंग के होने चाहिए। अलग अलग विचार, अलग अलग आधार, अलग ये होगा आधार इसी पर। लेकर आप चुके हैं इस मार्ग में बढ़ने वाले, तो आपका मन समता में रहना चाहिए। डोंट लूज योर बैलेंस। हमारे लिए बैलेंस ऑफ माइंड अनिवार्य है। तो तब होगा जब कहते ठीक है, इसको ये पैर लेने दो, मुझे क्या, माँ जी दाल बनाती है मुझे क्या, मुझे तो सब टिंडे की सब्जी अच्छी लगती है, माँ मुझे टिंडे दे दे, पुत्र दाल दाल माँ दाल दाल आप खा। उदार बनो, उदार। ये नहीं कि माँ तू एक ही दाल बनाएगा, ये गलत बात, बड़ा पाप लगेगा आपको अगर आप ऑर्डर देंगे घर के अंदर, नहीं जी मुझे सब्जी अच्छी लगती है आप सब्जी बनाओ, मुझे हरी चीज अच्छी लगती है माँ जी मेरे लिए थोड़ी सी बना लेना बस, बाकी अगर दाल पसंद करते मुझे इसमें क्या इतराज। शाबाश। अगर आपको नीला सूट पसंद है विमला, तो नीला सूट ले ले, लेकिन मुझे ये हरा पसंद है। पत्नी का आप कोई बंदे हैं, ये पजामे हैं, क्या है, बस ये हम मार खा लेंगे। अब ये आप फायदा नहीं करेंगे। जब आप अपना क्या इरादा, आप अपने मन का सतर दूसरे पर थोपना चाहिए, ये गलत हो गई। आप इस मार्ग में नहीं बढ़ सकेंगे। ना जी हमें तो कृष्ण सारों के कृष्ण भगवान हो, गलत। सारों के राम होने चाहिए, गलत। वो दिन बड़ा मनुष्य दिन था जब गंदे इंसान ने आकर कहा कि सारे ईसा मसीह के प्यारे बने, सारे मोहम्मद रसूलुल्लाह प्यारे, गले काट दो इनको, ये क्या है, ये गंदे इंसान है। उस दिन रब बड़ा नाराज हुआ, बड़ा नाराज हुआ, जिस तरह उन्होंने बंदे को भगवान द्वारा बनाए गए बंदों के साथ इसलिए नफरत की, चूंकि ये मेरे सतर पे नहीं आते, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्यों नहीं मानते रसूलुल्लाह, ओ बेवकूफो। उसी दिन से अल्लाह मियां तुम्हारा से नाराज हो गया। या दूसरे कट्टर है ईसा मसीह वाले, गलत। क्राइस्ट नॉट फॉर ऑल, क्राइस्ट फॉर सिलेक्टेड फ्यू। क्रिस्ट नॉट फॉर ऑल, क्रिस्ट फॉर सिलेक्टेड फ्यू। राम नॉट फॉर ऑल, वाहेगुरु नॉट फॉर ऑल। न कट्टर बनो मेरे गुरुद्वारे में रहने वाले मेरे भाइयों, नहीं, नॉट फॉर ऑल। भगवान ने सबको एक जैसा नहीं बनाया, अगर एक जैसा बनाया हो तो तुम्हारे एक ही अवतार काफी था। भगवान को पता है कि मैंने नाना प्रकार के जीव बनाए हैं, कहीं को राम अच्छा लगा, कहीं को शिव अच्छा लगा, कहीं को वाहेगुरु के भाव अच्छे लगेंगे, क्योंकि मालिक ने एक जैसे नहीं बनाए। बाबा क्यों नहीं बनाए? क्योंकि भगवान ने तीन गुणों से सृष्टि बनाई है, या भगवान केवल एक सतो गुण सृष्टि बना लेता। तो जो जीव केवल अपनी चीज थोपना चाहते, भगवान कहते कभी भी वो भगवान के मार्ग की तरफ नहीं चल सकते।
कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, इस दिल के टुकड़े हजार हुए। इसी मूर्खता से हमारे देश में खून खराबा हुआ। नहीं हमारा अच्छा है, गलत। नहीं तुम्हारा गंदी बात है, तुम्हारी अच्छा है, गंदी बात होगी। टेढ़ा लोया तब भी सीधा होता है जब हथौड़े लगे उसके ऊपर, ठीक है ना। लोहा कब सीधा होता है? जब हथौड़े लगे हैम्परिंग, और हैम्पर पे हैम्पर लगते जाए तब वो टेढ़ा लोहा सीधा हो जाएगा। इंसान को नियम ही रब ने ऐसा बनाया है, ठोकर पे ठोकर लगती है तब कहीं जाकर। दो खिलाड़ी फुटबॉल की गेम खेल रहे हैं, फुटबॉल को कई ठोकरें लगेंगी प्लेयर की तब कहीं गोल होगा और ताड़ियां बजेंगी। बड़ी ठोकरे के बाद गोल होता है मेरे सरकार। इतने इंसान बड़ी ठोकरे खाता है तो गोल में आता है। गोल कौन है? हमारे भगवान जी, हमारे इष्टदेव जी। तब ये मन रूपी बॉल उस गोल में आके गिरता। इसलिए उदार बन जाओ और राज्य छोड़ दो। हर एक आपके स्तर पे नहीं हो सकता। सबके सब हम संस्कार अलग अलग लेके आए हैं, अलग अलग संस्कार लेके आए हैं। आप सियाना कहोगे कि जो छह नंबर मुझे बूट का आता है वो छह नंबर मेरी पत्नी की भी आए, मेरे मेरी बेटियों के? अच्छी बात नहीं बाबा, ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि पैर का साइज हर एक का रब ने अलग अलग, वो जैसे पैर का साइज अलग अलग है, ओ मेरे नेक जी, वो इस तरह मन का साइज भी अलग अलग है। साइज तो मन को नहीं कहते, स्तर कहते हैं, स्टैंडर्ड कहती। अभी उठा लो अपने मन में और ये बाधा इसी वक्त मेरे पास बैठे हुए दूर कर दो कि आज के बाद मैं किसी को नहीं टोकूंगा, नहीं रोकूंगा। और अपने मन के तवाज़ुन को वो मानेगा नहीं। आपने खाब खाब तवाज़ुन खराब कर लिया, आपने खाब खाब ने आपको बिगाड़ लिया। नहीं ए नीली पीली लाल गुलाबी, नीली पीली लाल गुलाबी, हाँ ना बिगाड़ो अपने आपको। उन्हें नहीं कह रहा, अगर मान भी लिया आपके डर के मारे तो भगवान ने क्या कहा? या जबर से कहा, आपने उसकी गुतड़ी पक्की या उसके मुक्का मारा या उसके वाल जो कटे हुए गए पीछे से यूं मरोड़ दिया, अंग्रेजी का हाथ बना दिया, बना ले आज बना ले, लेकिन आपको छोड़ना पड़ेगा। अच्छा तेरी मर्जी, देख ले तेरी मर्जी। आहा, इसलिए यही बैठे बैठे मेरे पास इस प्रसंग अनुसार उदार हो जाओ। ब्रॉड माइंडेड, लिबरल माइंडेड, जिंदाबाद। वो मेरे भगवान कह रहे हैं जिनके उदार मन है वो परफेक्ट हो जाएंगे। एवरीवेयर यू प्लीज, चाहे आप दफ्तर में है, चाहे दुकान पर है, कैसे भी आप है, कहीं भी मेरे मालिक जी आपसे काम ले रहे हैं, उदार हो जाओ। तब क्या होगा? आपका तवाजन बना रहेगा, आप अनबैलेंस नहीं होंगे। यू डोंट लूज योर टेम्पर हाई हाई। और इस मार्ग में बड़ा जरूरी है हम अपना टेम्पर लूज ना करें, हम अपना तवाजन खराब ना करें, हम चिरचिरे ना बने, वरना ये चिरचिरे मिजाज वाले भगवान के दर्शन नहीं करते। परमार्थ की मंजिलें जिनके मिजाज चिरचिरा है वो नहीं करेंगे। बात बात में बिगड़ते रहती है और तिल का ताड़ बनाते रहते हैं और राई का पहाड़ बना लेती, बात बढ़ा देते हैं। ऐसे व्यक्ति रजोगुनी है, वो संसार के काबल है, मैं बार बार कह रहा हूं, वो मेरे भगवान के काबल नहीं, भगवान के ज्ञान के काबल नहीं, वो अभ्यास करने के काबल नहीं, वो जाप और ध्यान के काबल। आपने अनेक की महापुरुषों की जीवनियां पढ़ी है, फिर पढ़ो, कितने उदार थे, कितने उदार थे, उनकी गौर से जीवनियां पढ़िया करें बच्ची। हाँ मीरा कितनी उदार, देख लो एक मीरा, एक सुखो भाई सामने रखो, एक करमैती भाई सामने रखो, ये तीन चार जो भगवान तक पहुंच गए उनको सामने रखो ना, कितनी उदार। 20वीं शताब्दी की रामचंद्र परमहंस की श्रीमती मां शारदा, उनकी जीवनी जरूर पढ़ो। अरे वाह कितनी उदार था, और ऐसा ही वर मांगो उनसे, मां ऐसी उदार मैं भी बन जाऊं, मेरे प्रभु ऐसे ऐसी उदार मैं हो जाऊं, हाय ये उदार, ऐसी उदारता मुझे भी दो। इससे सबसे बड़ा गुण क्या होगा? मैं फिर कहना चाहता हूं, आपके मन का तवाजन खराब नहीं होगा। और यदि तवाजन खराब हो तो बड़ी जल्दी आप परमार्थ की मंजिलों को तय कर जाएंगे। इसलिए मेरे भगवान अनुरोध पूर्वक आपको कह रहे कि जो उस अवस्था में पहुंचना चाहते हैं अर्जुन जी मेरे मालिक, उनको राग द्वेष नहीं रखना चाहिए। वो जो पहुंच गए थे उनके मन में राग द्वेष नाम मात्र का भी नहीं था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। There was no attraction and repulsion, जहां तक परफेक्ट सोल की बात है। वो परफेक्ट भी तब बने जब इससे उठ गए कि ये तो जरूरी है, इसी आधार पर संसार बना है।
राग और द्वेष के आधार पर राग और द्वेष फाउंडेशन है इस संसार की, और जो राग द्वेष को छोड़ गया फिर संसार में ना रहा वो मालिक की जात में चला गया। अगर आपने चौथी जमात के इम्तिहान दे लिए तो अगले साल चौथी जमात में नहीं होंगे, आप मिडिल में होंगे। अगर मिडिल का स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट मिल गया तो फिर आप हाई में होंगे। अगर हाई का आपको सर्टिफिकेट मिले तो फिर तो आप कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। ओए होए ये सता रहे, प्राइमरी मिडिल हाई कॉलेज, और कॉलेज में आपने एमए कर लिया फिर आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं पीएचडी करने के लिए। वाह, ये आगे आगे जा रहे हैं, सतारा बदलता जा रहा है। इस तरह में दिव्यू आपका स्तर, हर एक स्तर बदलता। अपनी बात न ठोसो उसके ऊपर, कहीं भी किसी जगह भी अपनी बात बिल्कुल ही ठोस नहीं। मुझे पूरी आशा है आप ये मेरे भगवान की बात को फौरन अपने जीवन में ढाल लेंगे, कहीं भी अपनी बात इम्पोज नहीं करेंगे, किसी के ऊपर आप लादेंगे नहीं। मैंने आपको स्पष्ट कह दिया, भगवान बड़े नाराज होते हैं। कोई अगर मूर्ख आदमी किसी के ऊपर से अपने कितने नियर और डियर है, कितना ब्लड रिलेशन है, नहीं लादनी, नहीं लादनी। मेरी राय है अगर आप मान जाए तो मत बेटर, ना मानो मोर बेटर। हाय, मत बेटर मोर बेटर। पिताजी मैंने राय दी है, मर्जी आपकी मानो या ना, इसमें मेरे भगवान बड़े खुश होते। यदि ये तकिया कलाम बन जाए आपका, ये चर्चित शब्द बन जाए, आपकी मर्जी छोटी बहन, हाँ मैंने एक राय दी आपको। अगर ये मान मुझे नहीं अच्छा लगता, कोई बात नहीं, मैं तो बड़ी हूं ना तेरी मां समान हूं, तू मान मान ना मान कोई बात नहीं, ना कर, आपका तवाज़ुन तो बना रहा ना। फिर एक बात मैं अपनी ओर से कहूंगा, जब पता है कि मेरे काके ने अपनी मनानी है, आप राय देना बंद कर दो। क्यों राय देने का फायदा क्या हुआ, जब उसने आपको पता है इसने करनी तो अपनी मनमानी है, तो फिर बाप राय क्यों दे। आप राय देंगे चाहे लाख परे कोशिश करे, आपका तवाज़ुन ना हो 1% तो होगा ही। ये अपने मन में बाहर ना प्रकट करो, नलायक नहीं जानता कि ये मेरा प्यो नहीं, मैं इसका प्यो हुआ, फिर थोड़ा सा मन हुआ ना बिगड़ा ना, तो पहली राय ना दो, तब आप बड़ी जल्दी उन्नति कर जाएंगे। यूं कह के मैं खामोशी ले रहा हूं, इस मार्ग में बड़ी जल्दी उन्नति कर जाएंगे जो मेरे भगवान के राग द्वेष छोड़कर किस अवस्था में आ जाएंगे, दिल के तवाजन का है नाम, जिसके मन का तवाजन बना रहता है। और हमारे तवाजन या बैलेंस या संतुलन को खराब कौन करती है, राग और इसी को संसार कहती है। कोई चीज प्रिय लगेगी कोई अप्रिय, राग को हम प्रिय कहेंगे या द्वेष को हम क्या कहेंगे, अप्रिय। और भगवान कहते हैं परफेक्ट कौन होंगे, जिनको इस संसार के ना कोई प्रिय ना अप्रिय है, केवल एक परमात्मा के ज्ञान या परमात्मा में मन लगा हुआ, वो बड़ी जल्दी मंजिलें तय कर जाएंगे। सियाने हो, मैंने थोड़ी सी आउटलाइन ड्रा कर दी या इशारा कर दिया, आप खुद ही जाके घर में विचार कर लेना कि आज के बाद अगर मैं सच्चाई का पुतला बन के इन मंजिलों को तय करना चाहता हूं, कहीं ना राग कहीं ना द्वेष, उसका बनिए के तकड़ी की तरह, हा ना वो ये तवाज़ुन, ये देखे बच्चे तराजू, हा ये तकड़ी, इसके ये तराजू और इसके दो परड़े, हा और सुई सेंटर में। ये भगवान कहना चाहते हैं, दो परड़े बिल्कुल बराबर, जब कोई सुई सेंटर में हो, सुई ना इधर थोड़ी सी भी हो ना सुई इधर हो, ये सुई तरक्की कर जाएगी, जो जरा भी इधर नहीं जरा भी इधर नहीं। इस तरह मन की सुई ना इधर हो ना इधर हो, बिल्कुल तू ही तू मेरे मालिक, बाकी ना इस प्रलय में झुकी हो ना इस प्रलय की तरफ जो है झुकी हो, ना तराजू की सुई बिल्कुल सेंटर में, शाबाश शाबाश। इधर हमारी बुद्धि है, इधर हमारा चित्त है, बीच में हमारा मन है, ये दोनों के प्रलय बराबर रहे और मन अपने में मस्त, ऐसे जीव क्यों ना उन्नति कर जाए। आप रुक जाती है, नहीं उन्नति कर राग द्वेष के कारण से, ये भगवान कहना चाहते थे। आगे चल के वो कहेंगे इसी में तो अर्जुन ये खलकत तमाम परा गंदा रहती है, यूसुफ इन्हीं गंदगी के अंदर दल दल में सारी जिंदगी तबाह कर देते हैं, किस में, राग में या द्वेष में, अट्रैक्शन में या रिपल्शन में। पर आप तो उन्नति कर जाना चाहते हैं, आप तो कल्याण कामी है, इसलिए अपने मन को समझा देना, बड़ी जोरदार बहुत गुणकारी लाभकारी चेतावनी, ना कहीं राग ना द्वेष, आहा हाय बहुत अच्छे। कबीर जी के एक दुआ सुना दूं और खामोशी ले लूं, पहुंचू के बोल कितने अच्छे हैं। कबीरा खड़ा बाजार में,
ओए पूछे सबकी खैर। बहन ठीक है, मैयत ठीक है, अरे भाई आप ठीक हो ना? कबीरा कड़ा बाजार में पूछे सबकी खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से वैर। यह पोचों की अवस्था, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से वैर। भगवान से प्रार्थना करो ये अवस्था जल्दी बन जानी चाहिए, क्योंकि हम कल्याण करना चाहते हैं। ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से वैर। कितना मन शांत रहता होगा उन लकी सोल का, जो इतने लकी सोल्स हैं, कितना मन शांत, कितना, और कितने वो अंतर्मुखी होते होंगे आप अनुमान लगा लेंगे, कितने वो अहोभाग्यशाली हैं। नाइदर टू डिसाइड एंड नॉट टू दैट, ऑलवेज सेंट्रलाइज्ड। भगवान करे जैसे प्रसंग चलाया मेरे प्रभु ने, आप सब पर यही अवस्था आ जाए, सब मेरी देवियों की यही अवस्था बन जाए। अपना जो कर्तव्य पूरा करेंगे, लेकिन ना कहीं से राग ना कहीं द्वेष। ऐसों को फिर इंसान नहीं कहती, देवता कहती है। ऐसों को नारी नहीं कहती, देवी भगवती कहती है। जिनके मन से ये दोनों निकल गया, सारा संसार ही निकल गया। अगर राग द्वेष खत्म तो सारा संसार निकल गया, सारा ही संसार। और ये कब निकलता? जब मन में हमारे वैराग छा जाता है कि मैंने अपना कल्याण कर जाना, मैंने जरूर कल्याण कर लेना है, वरना राग द्वेष हमारे मन को एकाग्र नहीं होने देगा, हमें संसारी बनाए रखेगा। तो वैराग चाहिए, इतना वैराग आप पे बढ़ता जाए। मैंने वैराग किसे कहते हैं? मैंने इसी जगह में अपना कल्याण कर लेना। तो वैराग वो होता है जो मन को भगवान की ओर झुका दे, बस भाई ये राग द्वेष दोनों निकल जाएंगे। अगर वैराग जैसे आता जा रहा है आप में, और ये पक्का निश्चय होता जा रहा है, समझी मेरी देवियों मेरे सज्जनों, वैराग वही काम करता जी। यदि कभी ऐसा हो जाए, आपने सब्जी बनाई और नमक ज्यादा हो गया, क्या करोगे आप? क्या करेंगे बाबा, गिरा देंगे? नहीं, मैं बताता हूं। क्या बताएंगे बाबा, नमक कम हो जाएगा? हो जाएगा। कोई मंत्र? नहीं, मंत्र नहीं, तंत्र नहीं। कितना अच्छा सारे बता गए। अगर कभी सब्जी में नमक ज्यादा बढ़ जाए, हाँ, तो आटा गूंथा पड़े ना घर में, हाँ, उसको तोड़ो और गुलोले बनाओ, यूं गोल गोल छोटे छोटे, इतने जैसे बंटे खेलते हैं, बंटे जरा बड़े, 5-7-8 गुलोले बना लो मिट्टी अपने आटे गूंथे हुए के, यू गुलोले बन गए, बन गए। तो जिस सब्जी में नमक ज्यादा हो, सारे गुलोले उसमें छोड़ दो, तो वो आपका नमक खींच लेगी। कभी जानबूझ के नमक ज्यादा डाल के ना, तो गुलोले डाल के देखने के बाद ठीक है, नहीं तो जैसे जानबूझ के बचे कितने आजमाना भी, ये बाबा बकवास की है कि कोई सच्चाई भी है इसमें, तो वो नमक खींच लेंगे। इस तरह जिस अंतःकरण में वैराग आता है, वो राग द्वेष खींच लेते, राग द्वेष बाहर आ जाएगा। राग द्वेष उस जिगर में मन में नहीं रह सकता मेरे बच्चे, जिसमें वैराग का गुलोला पड़ गया, तब हमारे मन को बिल्कुल एक जगह ठहरा देगा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। Sloti, sloti, agora, Lodita, vento, agora, जहाँ ज्ञान भक्ति और कर्म को लगता, श्लोक श्लोक में मेरा गीता ग्रंथ मेरा, गीता ग्रंथ मेरा, जहाँ ज्ञान सत्य और मोक्ष का देखो रहता सदा बसेरा, गीता ग्रंथ मेरा, गीता ग्रंथ
I'm